Hello and welcome you students to the amazing platform of JK Bose Foundation classes. जैसे कि हम आप लोगों के सामने एक सीरीज चल रही है, वो सीरीज है केमिस्ट्री की सीरीज, और इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पे, और इस सेकंड चैप्टर पे हम किस टॉपिक पे पहुंच गए हैं और हम ने कल क्या किया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम पहले। तो यस्टरडे के क्लास में हम बात कर रहे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने जिक्र की थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स यानी सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सबसे पहले नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स है बेटा। इसमें हमने क्या किया है, हमने बोला है कि दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहला जो टाइप है दैट्स नोन एज aqueous solution, that's known as aqueous solution, and second one is the non-aqueous solution. Okay, aqueous solution क्या मतलब होता है बेटा, जिस solution में solvent जो होता है, जिस solution में solvent water होता है, that is known as aqueous solution, और जिस solution में वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट होता है, वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट होता है, लाइक अल्कोहल है बेटा, लाइक बेंजीन है, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटा, ये ऐसे ही कुछ कंपाउंड जो हम यूज करते हैं एज सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ वाटर, उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट बेटा। उसके बेसिस पे मैंने बोला आप लोगों को कि बाइनरी सॉल्यूशंस जो है ऑलमोस्ट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं, जिसमें बेटा एक टाइम पे सॉल्यूट जो होगा सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्यूट जो होगा लिक्विड स्टेट में भी होगा, और सॉल्यूट जो होगा किस में होगा बेटा, गैसियस स्टेट में होगा। जब सॉल्यूट होगा सॉलिड स्टेट में तो मैच करेगा, सॉल्वेंट होगा किस स्टेट में लिक्विड सॉलिड और गैस, तीन टाइप्स के ये बनाते हैं बेटा। दैट मीन्स नाइन टाइप्स हमारे पास सॉल्यूशन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, और 5 हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट है। तो नाउ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, वो है बेटा हमारे पास, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी वी हैव ऑलरेडी डन विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड देयर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट्स एज वेल एज द सॉल्वेंट, एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Number first is the saturated solution. Number second is unsaturated solutions beta। तीसरा टाइप जो है ऑन द बेस ऑफ कंसेंट्रेशन दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। जब ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन किसको कहते हैं और कंसंट्रेशन निकालते कैसे, ये भी इसी टॉपिक में इंशाल्लाह आज ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है नंबर फर्स्ट, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको हम बोलेंगे बेटा, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे लूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किन के बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, तो देख लो बेटा, एक एग्जांपल लूंगा मैं यहां पे। ये है मेरे पास एक गिलास जार है बेटा, मेरे पास एक बीकर है मेरे पास, जिसके अंदर मैंने
क्या रखा है? मैंने 100 ml ऑफ वाटर रखा है बेटा। एग्जांपल समझ लेना, क्या रखा है बेटा, 100 ml ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर रखा है, 100 ml ऑफ वाटर रखा मैंने इसके अंदर बेटा, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर बेटा मैंने इसके अंदर। तो समझना क्या है बेटा हमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हाँ, 100 ml ऑफ वाटर मैंने इसके अंदर रख दिया, उसके बाद क्या किया बेटा, मैंने लाया यहां से, मैंने लाया बेटा, क्या लाया बेटा, मैंने यहां पे लाया एक बाउल में, मैंने यहां से लाया बेटा सॉल्ट। क्या लाया बेटा? सॉल्ट लाया। और मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये सॉल्ट के बाउल से, जो इस बाउल में मैंने सॉल्ट रखा है, इस सॉल्ट के बाउल से मैं चम्मच से क्या कर रहा हूं, सॉल्ट उठा रहा हूं और ये सॉल्ट में डाल रहा हूं। किसके अंदर बेटा? ये सॉल्ट में डाल रहा हूं, ये सॉल्ट में डाल रहा हूं 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। एक मिनट बेटा, तो सबसे पहले मैंने उठाया एक चम्मच, यानी फर्स्ट टीस्पून मैंने उठाया बेटा, एक स्पून जो मैंने सॉल्ट का उठाया बेटा, डान इधर रख लेना, सॉल्ट का मैंने जो उठाया और मैंने इसके अंदर डाल दिया बेटा, एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने स्टायर करना स्टार्ट कर। जब मैंने स्टायर किया कुछ टाइम के बाद मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे जो मैंने सॉल्ट का एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया, वो सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा। डन बेटा। इसी तरह अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने दूसरा चम्मच उठाया, सेकंड वन दूसरा चम्मच उठाया मैंने, तो इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया बेटा। अब ये सॉल्यूशन बना, इसके अंदर डाल दिया 100 ml ऑफ वाटर। हाँ, सॉल्वेंट वाटर ही बेटा, 100 ml ही है, इसकी क्वांटिटी हमने चेंज नहीं की और एक्सटर्नल कंडीशंस भी चेंज नहीं की बेटा, लाइक टेम्परेचर चेंज नहीं किया, प्रेशर चेंज नहीं किया, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको रख दिया। दूसरा चम्मच भी मैं जब इसके अंदर डालता हूं तो ये भी क्या होता है बेटा, इसके अंदर डिजॉल्व होता है। क्या होता है बेटा? डिजॉल्व होता है। ये भी डिजॉल्व हो गया, ये चम्मच भी डिजॉल्व हो गया, ये इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, मैंने कहा कि मैं देखूंगा कि इसके अंदर कितना सॉल्ट जो है, इस 100 ml ऑफ वाटर के अंदर कितना सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो रहा है, तो वो मैं देखने की कोशिश करूं। चलो, मैंने तीसरा चम्मच जब उठाया, तीसरा चम्मच जब मैंने उठाया ये भी डिजॉल्व हो गया बेटा, ये भी डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक और चम्मच उठाया, जब मैंने फोर्थ जब मैंने उठाया बेटा, इसका क्या हो गया, जब मैं स्टायर कर रहा हूं ये फोर्थ वन जो है, ये सॉल्ट जो है, ये ऐसे ही नीचे रह गया बेटा। डन बेटा। दैट मीन्स कि तीन चम्मच इस सॉल्यूशन, इस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए, फोर्थ वन डिजॉल्व नहीं हो। इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला हमें, 100 ml ऑफ वाटर में मैं सॉल्ट डालता गया ये डिजॉल्व हो रहा है, मगर एक पॉइंट ऐसे इसके अंदर आता है, एक टाइम ऐसे इसके अंदर आता है जिस टाइम पे ये सॉल्ट फर्दर अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है बेटा, फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये सॉल्ट जो है बॉटम पे रह रहा है, यहाँ पे ये देख लो बेटा, बॉटम पे है, मौजूद है, ये डिजॉल्व नहीं हो गया है बेटा। जिस स्टेज पे, जिस पॉइंट पे ये हमें दिखाई दे कि अब फर्दर सॉल्यूट, यानी सॉल्ट बेटा, अब फर्दर सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, फर्दर सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट बेटा। क्या बोल रहे हैं इसको, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, बोल रहे हैं बेटा सैचुरेशन पॉइंट। समझ लेना, डन इधर रख लेना बेटा। अब मैंने क्या बोला सैचुरेशन पॉइंट होता है, मैंने बोला कि इस सॉल्यूशन, इस वाटर के अंदर मैं सॉल्ट डालता गया, एक टाइम ऐसा, एक पॉइंट, एक स्टेज ऐसा आता है जब ये लिक्विड वाटर जो है ये अब जवाब कर रहा है सॉल्ट को कि नहीं, अब आप मेरे अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाओगे, दैट वेरी स्टेज इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट बेटा। उसी टाइम पे उस सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को कहते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलेंगे बेटा। समझ में आई मेरी बात? नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो जितनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है वो सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व करता है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व
करता है, मगर जब अगर हम फिर और इसके अंदर डालेंगे सॉल्यूट, वो फिर डिजॉल्व नहीं होगा। दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझाई मेरी बात? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस उन्हीं को बोलते हैं। हाँ, अगर कंडीशंस हमने नॉर्मल रखी, यानी ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ये चीज मैं बोल रहा हूं, दैट मींस कि एक पॉइंट, एक स्टेज ऐसा आता है इस लिक्विड में, दैट स्टेज, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, एंड द लिक्विड एंड सॉल्यूशन जो यहां पे बना बेटा, इस सॉल्यूशन को हम तब बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और एक लेते हैं। मेरे पास एक क्लासरूम है बेटा, और क्लासरूम में मेरे पास, मुझे पता है कि यहां पे जितने बच्चे अकोमोडेट हो रहे हैं वो है 20 इन नंबर। 20 बच्चे इस क्लास में अकोमोडेट हो रहे हैं, मुझे ये पता है इस सीटिंग कैपेसिटी 20। अब मैं क्या काम करूंगा? अब मैंने लाए 10 बच्चे, वो 10 बच्चे आराम से बैठ गए, यानी वो डिसॉल्व हो गए, उनको सीटिंग अरेंजमेंट मिल गया। फर्दर मैंने 10 बच्चे लाए, वो भी अकोमोडेट हो गए। दैट मीन्स कि इस क्लासरूम की सैचुरेशन जो है वो है 20। क्या है बेटा? 20। अगर मैं अब फर्दर बच्चे और लाऊं, दैट मीन्स वो यहां पे अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे। हाँ, वो अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे क्योंकि यहां पे जो सैचुरेशन है वो सैचुरेशन है बेटा 20। इसी तरह सॉल्यूशन में, इस वाटर में कैपेबिलिटी है कि इसने 3 चम्मच जो है डिजॉल्व अपने अंदर कर दिए हैं सॉल्ट के, अब चौथा जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसकी सैचुरेशन है, ये 3 ही चम्मच को डिजॉल्व कर सकता है, इतने ही पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकता है। अब ये सॉल्यूशन जो बना, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम फर्दर सॉल्यूट को अब डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इनको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट होता है ना बेटा इनके अंदर। क्यों? हम डालते गए जितना इसके अंदर कैपेसिटी, जितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड के अंदर यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, उतना इसने अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया सॉल्यूट को, यानी मैक्सिमम जब इसका स्ट्रेंथ खत्म हो गई, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, दैट मींस उस सॉल्यूशन को उस टाइम पे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर जो होते हैं डिजॉल्वड इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, हमने 100 ml लिया था बेटा, एट ए गिवन टेम्परेचर, इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एट विच एंड विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। मैंने बोला ना टेम्परेचर कंडीशन सेम रखिए, टेम्परेचर चेंज नहीं कर, एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सिंपल वर्ड्स में बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुके होते हैं, अब फर्दर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, फर्दर स्ट्रेंथ नहीं है उस सॉल्यूट सॉल्वेंट की कि वो फर्दर और सॉल्यूट पार्टिकल्स अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। जितने उसको करने थे डिजॉल्व उतने उसने किए उस टाइम पे, उस स्टेज पे, उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट बेटा। हाँ, वेरी गुड। इफ द, हाँ याद रख लेना, सैचुरेटेड पॉइंट पे उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा। क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर होते हैं, याद रख लेना। इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट इज एडेड, इट विल रिमेन अनडिजॉल्व्ड। अभी मैंने बोला अगर मैंने अब चौथा जब चम्मच ऐड किया सॉल्ट का, वो वहां पे अनडिजॉल्व रह गया, वहां पे डिजॉल्व नहीं हो गया, बिकॉज वहां पे उसके अंदर वैकेंसीज ही नहीं है बेटा। क्या नहीं है? वैकेंसीज नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है वो हमने सॉलिड्स में, जब हम सॉलिड्स की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे बेटा। हाँ देख लो इधर, जल्दी जल्दी से मैं बताता हूं। ये वाटर है बेटा, वाटर के बीच में, इस लिक्विड के बीच में है थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है बेटा, पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। और जब मैं इसके अंदर मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं? जब मैं इसके अंदर मिलाता हूं सॉल्ट, और वो सॉल्ट के पार्टिकल्स
इन स्पेसेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा, डिजॉल्व हो जाते हैं, जगह ले लेते हैं। जितनी जगह फ्री होगी इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द, उतने ही सॉल्ट पार्टिकल्स इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। और जब ये वैकेंसी फुलफिल हो गई, दैट मीन्स फर्दर जो है सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता है बेटा। ये इसके पीछे केमिस्ट्री है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दस द सैचुरेटेड सोल्यूशन देयर thus in a saturated solution there is always an equilibrium between the dissolved and the undissolved solute very important point। iska matlab kya hai equilibrium dissolved and undissolved solute particles ke darmiyan, ye kya matlab hota hai? dekho beta idhar ye mere paas solution hai jo maine abhi solution rakha डन बेटा। मेरे नीचे जो है वाटर, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया बेटा, 100 ml ऑफ वाटर भर दिया। 100 ml ऑफ वाटर में मैंने भर दिया है बेटा सॉल्ट, मैं डालता गया सॉल्ट इसके अंदर। और जब मैं सॉल्ट डालता गया तो दैट मीन्स इसके अंदर पार्टिकल जो है डिजॉल्व हो रहे हैं। पार्टिकल इसके अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, डिजॉल्व हो रहे हैं। एक मैक्सिमम क्वांटिटी इसके अंदर डिजॉल्व हो गए, दैट मींस ये जो है डिजॉल्वड सॉल्ट पार्टिकल्स है बेटा, डन। पर जब मैं फर्दर ऐड कर रहा हूं ऊपर से, कुछ टाइम के बाद फर्दर ऐड कर रहा हूं, हाँ एक स्टेज ऐसे आता है वो डिजॉल्व नहीं हो रहे, तो पार्टिकल्स जो है अनडिजॉल्वड सॉल्ट पार्टिकल्स और ऊपर जो है जो वाटर के साथ मिले हुए हैं वो है डिजॉल्वड पार्टिकल्स है बेटा। हाँ अब क्या करना है, अगर मुझे अब जरूरी ये करना है कि मुझे ये पार्टिकल जो है अनडिजॉल्वड पार्टिकल जो है मुझे इसको क्या काम करना है, मुझे इसमें ये डिजॉल्व करना है, तो क्या करना है हमें, मुझे सबसे पहले यहां पे वैकेंसी क्रिएट करनी है। दैट मीन जो डिजॉल्वड पार्टिकल है उसको बाहर निकालना है, डिजॉल्वड पार्टिकल को बाहर निकालना है और अनडिजॉल्वड को यहाँ पे पुश करना है, दैट इज इक्विलिब्रियम। मिसाल मेरे क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स आते हैं, अब प्रिंसिपल ने अपने अप्रोच पे किसी और स्टूडेंट को लाया और मुझे बोला कि नहीं एनी हाउ इसको अकोमोडेट करना है, मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट जो है उसको क्या काम करना है, उसको उठाना है बाहर निकालना है और इस स्टूडेंट को उसकी जगह पे रखना है। इसी को कहते हैं अनडिजॉल्वड और डिजॉल्वड पार्टिकल्स के दरमियान में क्या होता है बेटा, एक इक्विलिब्रियम होता है, जितने निकलेंगे उतने ही आएंगे, जितने आएंगे उतने ही निकलेंगे, एक इक्विलिब्रियम बन के चलता है इनके अंदर। इसलिए दस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिजॉल्वड एंड अनडिजॉल्वड सॉल्यूट पार्टिकल्स। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या, अभी मैंने बोला कि जिसके अंदर फर्दर डिजॉल्व नहीं होते, मैक्सिमम अमाउंट जिसके अंदर आएगा एक स्टेज पे, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर हम फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर सकते, यानी अभी वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आ चुके हैं। मिसाल मेरे पास यही 100 ml ऑफ वाटर मैंने ले लिया है बेटा, अभी मैंने इसके अंदर एक चम्मच मैंने इसके अंदर साल्ट डाल दिया, डिजॉल्व हो गया, दूसरा साल्ट भी डाला डिजॉल्व हो गया, तीसरा डाला वो भी डिजॉल्व हो गया, डालते मैं गया वो अभी डिजॉल्व हो रहा है बेटा। दैट मीन्स कि मुझे ये समझ में आ गया, ये सॉल्यूशन जो यहाँ पे है ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि अभी इसके अंदर सैचुरेशन नहीं आई है, अभी इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये फर्दर सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, बेटा। दैट इज वाई इसको बोलते हैं बेटा अनसैच, अभी इसके अंदर सैचुरेशन नहीं आई है, अभी इसके अंदर कैपेबिलिटी है ये फर्दर और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है बेटा। डेफिनेशन देखो, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट लेस देन द मैक्सिमम, हाँ ऑब्वियसली लेस देन होते हैं ना मैक्सिमम, अभी ये सैचुरेशन पे तो नहीं आए है ना, लेस देन मैक्सिमम इसके यहां तक है, अभी सॉल्यूट इसके यहीं तक है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम है यहाँ, अभी लेवल यहीं पे, दैट मीन्स अभी ये मैक्सिमम लेवल पे नहीं आ गए, अभी इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल जो है बेटा वो क्या है, कम है, लेस देन द मैक्सिमम दैट इट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा। देख लो मेरे
एक एग्जांपल देख लें, मेरे पास दो गिलास है, एक 100 ml ऑफ वाटर इसमें भी है, 100 ml ऑफ वाटर इसमें भी, और इस 100 ml ऑफ वाटर में मैंने 4 स्पून सॉल्ट के डाल दिए हैं और वो डिजॉल्व नहीं हो, दैट मीन्स ये सैचुरेशन अब पे आ गया। और दूसरा जो गिलास ऑफ वाटर इसमें भी 100 ml ऑफ वाटर है, इसमें मैंने अभी दो ही डाले, इसमें मैंने क्या डाले, दो ही सॉल्ट के चम्मच मैंने अभी इसमें डाल दिए, दैट मीन्स इसके अंदर फर्दर डिजॉल्व नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर एक और चम्मच डालू वो डिजॉल्व हो जाएगा, तभी मैं इसको बोलेंगे कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शॉर्ट में जिस सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हो सकते हैं, यानी अभी उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट जो है एट गिवन टेम्परेचर नहीं आ गया है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, in other words, unsaturated solutions may be defined as a solution that can dissolve more solute in it at the given temperature is called an unsaturated solution. temperature beta vary nahi karna, temperature condition is same rakh, ordinary temperature means ki wo solution jiske andar further abhi capability hai wo further or solute particles ko dissolve kar sakta hai apne andar, isliye इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एट दैट वेरी टेम्परेचर, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डन, वेरी गुड, आगे बढ़ो बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दैट मीन दो हमारे हो गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे हम इनको बोलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्यूट जो है डिजॉल्व नहीं हो रहा है, एक सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है उसको बोलेंगे हम सिंपल वर्ड्स में अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर फर्दर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक और क्लासिफिकेशन है। बिसाइड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड देयर इज अनदर काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, अ सॉल्यूशन व्हिच टेंपरेरली कंटेन्स मोर सॉल्यूट than the saturation level, more solute than the saturation level, that is maximum solute at a particular temperature is called the super saturated solution. means ki ek solution ke andar saturation level aa gayi, ha magar isme is solution mein kuch aur solute ke particle saturation stage aane ke baad bhi kuch aur chote thode se particles ko aur apne andar dissolve कर लिया, जब ऐसा कुछ सॉल्यूशन कर सकता है दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड से ऊपर सुपर सैचुरेटेड मींस ये मेरे पास एक बीकर है, यही अभी वाला, जिसके अंदर सैचुरेशन आ चुकी है बेटा, और इसके अंदर सैचुरेशन है, इसने अपने अंदर 90 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट को डिजॉल्व कर लिया, इसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब क्या है, कोई सॉल्यूशन है ऐसा 100 ml यही है, ml है, मगर इसने क्या काम किया है, इसने अपने अंदर 95 पार्टिकल्स को क्या किया है बेटा, 95 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट को डिजॉल्व कर लिया, चाहे बाय स्टायरिंग और बाय एनीथिंग, हाँ स्टायर करने के लिए या करने के बाद इसने 95 पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या किया है बेटा, डिजॉल्व कर लिया है। नाउ दिस सॉल्यूशन यानी सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद भी इसने 5 और पार्टिकल्स को डिजॉल्व कर लिया सॉल्ट के, दैट दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मगर ये बेटा टेम्पररली क्या आता है बेटा, टेम्पररली आता, कुछ टाइम के बाद अगर हम इस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे ना ऐसे, वो 5 पार्टिकल्स जो होंगे ना वो नीचे अनडिजॉल्वड फिर से आपको एज पार्टिकल देखने को मिलेंगे बेटा, समझ में आई मेरी बात। तो टेम्पररली स्टायर करने के लिए, स्टायर करने से या कुछ कंडीशन चेंज करने से ये 5 पार्टिकल्स एक्स्ट्रा जो डिजॉल्व हो गए हैं, जब हम उन कंडीशंस को हटाएंगे बेटा, हाँ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल्स फिर से नीचे हमें बॉटम में देखने को मिलेंगे एज अनडिजॉल्वड पार्टिकल्स, मगर एट द पॉइंट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्यों, इसने 5 पार्टिकल्स को, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को अपने अंदर, एक्स्ट्रा सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बेटा। डन, अ सॉल्यूशन व्हिच टेंपरेरली कंटेन्स मोर सॉल्यूट, इसके अंदर मोर ही सॉल्यूट होंगे ना, सैचुरेटेड से भी ज्यादा होंगे बेटा,
then the saturated level, maximum solute at a particular temperature is called super saturated solution. तो तीन classifications हो गए बेटा on the basis of concentration of the solute, that is saturated solutions, unsaturated solutions and super saturated solutions. Hope कि आपको ये तीनों में जो है difference समझ में आ गई है. तो आगे बढ़ते हैं बेटा. Next क्या है हमारा? Next is what is the concentration of the solution. Solutions की concentration क्या हो? Very very important. Concentration of the solution. हमें पता है अगर हम solution की बात करें, solution क्या है? Solution is the mixture of, homogeneous mixture of solute plus solvent. Very good. समझने की कोशिश करो बेटा. What is solution? Solution is the homogeneous mixture of solute as well as solvent. Solute किसको हम बोलते हैं और solvent किसको हम बोलते हैं बेटा? सॉल्वेंट हम बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी लार्ज हो. अब ये ध्यान में रख लेना, अभी आप मैच्योर बच्चों, ये ध्यान में रखना, सॉल्वेंट जो है ये सिर्फ लिक्विड ही नहीं हो सकता, ये सिर्फ वाटर ही नहीं हो सकता. सॉल्वेंट जो है गैस भी हो, सॉल्वेंट जो है सॉलिड भी हो सकता, सॉल्वेंट जो है लिक्विड भी हो. अब क्राइटेरिया क्या है? जस्ट जो कि क्वांटिटी में ज्यादा हो उसको बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट. और सॉल्यूट जो है वो क्वांटिटी में क्या होता है? लेस होता है. डन बेटा. क्वांटिटी में क्या होता है बेटा? लेस. ओके, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट जब मिक्स हो जाता है उसको बन जाता है सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? मींस कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स है, कितना सॉल्यूट है, उसको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन. नाउ डेफिनेशन देख लो. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट वेरी. उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ दैट वेरी सॉल्यूशन. ओके, एज प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इवन इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूट. ओके, नेक देख लो. एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी कभी बराबर नहीं हो सकती है. क्या नहीं हो सकती है? कभी बराबर इवन नहीं हो सकती. तब जाके हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट. एक की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. हाँ, इस बेसिस पे, प्रपोर्शन के बेसिस पे, सॉल्यूट के प्रपोर्शन के बेसिस पे, चाहे सॉल्यूट कम है या चाहे सॉल्यूट ज्यादा है, इस बेसिस पे सॉल्यूशन जो है दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास. एक को हम बोलते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सिंपल वर्ड्स इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. That is known as concentration. So concentration on the basis of the proportion of solute present in the solution. Is basis pe solution hamare paas do type. Ek ko hum kehte hain dilute solution, dusre ko hum kehte hain concentrated solution. Isko hum ek example se samjhenge beta. Kya samjhenge? Ek example se samjhenge. मेरे पास है बेटा तीन बीकर्स है मेरे पास. बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी एंड बीकर नंबर सी. आराम से समझ लेना बेटा. डन. इसके अंदर मैंने 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया बेटा. इसके अंदर भी 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया. इसके अंदर भी मैंने 100 ml ऑफ वाटर डाल. कंडीशंस आर सेम, ऑर्डिनरी कंडीशंस, रूम टेम्परेचर. डन बेटा. 100 ml ऑफ वाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर, 100 ml ऑफ वाटर इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 100 ml ऑफ वाटर, इसके अंदर भी 100 ml ऑफ. डन बेटा. अब मैंने क्या किया? चेंज कहां पे? अब मैंने चेंज किया है, मैंने इसके अंदर क्या किया है, मैंने इसके अंदर 1 teaspoon शुगर डाल दिया, 1 चम्मच शुगर डाल दिया इसके अंदर. इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 चम्मच शुगर. इसके अंदर मैंने डाल दिए कितने बेटा? 3 चम्मच, 3 चम्मच शुगर. कंडीशन सेम है. इसके अंदर भी 100 ml वाटर, इसके अंदर भी 100 ml ऑफ वाटर, इसके अंदर भी 100 ml ऑफ. नाउ मुझे बोलो बेटा, मुझे बोलो ये भी क्या होगा बेटा? अगर मैं इस में से 1 चम्मच निकालूं पीयू में, ये भी स्वीट होगा, ये भी क्या होगा बेटा?
स्वीट होगा, ये भी क्या होगा बेटा स्वीट होगा, मगर फर्क कितना किसमें, ये जो है ये थोड़ा सा कम स्वीट होगा, ये इससे थोड़ा ज्यादा स्वीट होगा, ये सबसे ज्यादा स्वीट होगा ना बेटा। दैट मीन्स फर्क कहां पे है बेटा, यहां पे जो शुगर मीन्स सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, इसकी क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन इसके अंदर कंसंट्रेशन जो इसके अंदर जो क्वांटिटी किसकी है सॉल्यूट की है वो क्या है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, वाटर लिक्विड जो है वो बराबर है। अब मुझे बोलो बेटा सबसे ज्यादा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर होंगे, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सेम है 100 ml, और सबसे कम पार्टिकल्स किसके अंदर, सबसे कम पार्टिकल्स होंगे बेटा इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, कंडीशन इज सेम है बेटा। नाउ जिस सॉल्यूशन के अंदर एट द गिवन सिचुएशन गिवन टेम्परेचर पे क्या होंगे सबसे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसको बोलते हैं कंसंट्रेट, शॉर्ट में बेटा क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। और जिसके अंदर एट द गिवन टेम्परेचर सबसे कम क्या होंगे बेटा सॉल्यूट पार्टिकल्स उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे ये कंसंट्रेटेड है ये डाइल्यूट, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये कंसंट्रेटेड है ये डाइल्यूट, जिसमें सबसे कम सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे एट ए गिवन सिचुएशन हाँ दैट सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे एट ए गिवन सिचुएशन या गिवन टेम्परेचर दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिस इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किस में होते हैं, कंसंट्रेटेड में कि डाइल्यूट में, कंसंट्रेट डाइल्यूट में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज्यादा हो। समझ में आई भी है मेरी बात, अगर मुझे इस डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में तब्दील करने मुझे क्या करने आई हैव टू एड मोर शुगर डन, और अगर मुझे इसको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है मुझे क्या करना है मुझे इसके अंदर सॉल्वेंट एड, मुझे इसके अंदर क्या करना है बेटा सॉल्वेंट एड। समझ में आई मेरी बात, तो डेफिनेशन पे जाते हैं, कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसको एट ए गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर होते हैं दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड, और डाइल्यूट क्या होते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या होंगे कम होंगे लेसर होंगे दैट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेफिनेशन पे आ जाओ बेटा, डाइल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन इज विद लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट, लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे कम, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या है बेटा लेस है, दैट मीन्स सॉल्वेंट मोर होगा अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर अ सॉल्यूशन कैन बी फर्दर डाइल्यूटेड, अगर मेरे पास ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑलरेडी है अगर मुझे इसको फर्दर डाइल्यूट करना है मुझे क्या करना है मुझे इसके अंदर फर्दर वाटर को ऐड कर, फर्दर सॉल्वेंट को ऐड करना, हाँ दैट मीन्स कि इन कंपैरिजन सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो क्या निकलेगा सॉल्वेंट जो होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्यूट जो होगा बहुत कम होगा उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड पे आ जाओ, सॉल्यूशन विथ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एट द गिवन टेम्परेचर एट द गिवन सिचुएशन दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हाई होंगे बेटा हाँ हाई क्या होंगे सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट कम हो, ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड, अगर मुझे कंसंट्रेटेड से फर्दर कंसंट्रेटेड करना होगा बेटा मुझे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड, दो मेरे पास डाइल्यूट अगर मुझे इसको फर्दर डाइल्यूट कर या अगर मुझे इसको कंसंट्रेटेड में तब्दील कर, डन बेटा अगर मुझे डाइल्यूट करना है मुझे क्या करना है फर्दर सॉल्वेंट को ऐड करना है, वी हैव टू ऐड द सॉल्वेंट यानी वाटर, अगर मुझे इसको कंसंट्रेटेड बनाना है मुझे क्या करना है मुझे करना है ऐड सॉल्यूट। समझ में आई मेरी बात, और ये है कंसंट्रेट, अगर मुझे इसको फर्दर कंसंट्रेटेड बनाना क्या बनाना है कंसंट्रेटेड बनाना है या डाइल्यूट बनाना, अगर कंसंट्रेटेड फर्दर बनाना है कंसंट्रेट ऑलरेडी है फर्दर कंसंट्रेटेड बनाना है मुझे फर्दर इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड, डन अगर डाइल्यूट करना है
तो मुझे इसके अंदर वाटर या लिक्विड या सॉल्वेंट को क्या ऐड। समझ में आई मेरी बात बेटा? वेरी गुड। दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। हाँ, अब उस बेसिस पे, प्रोपोर्शन के बेसिस पे दो टाइप्स के सॉल्यूशंस है हमारे पास, एक है डाइल्यूट, दूसरा है कंसंट्रेट। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या फर्क है? डाइल्यूट में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं और कंसंट्रेटेड में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा। अगर हमें कन्वर्जन करना है तो ये कंडीशंस है हमारे पास। तो आगे बढ़ो बेटा। हाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने हैं, कितने अमाउंट में है सॉल्यूट, उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यानी 100 ml ऑफ वाटर में कितने पार्टिकल्स है शुगर के, कितने पार्टिकल्स किसके? शुगर के, यानी सॉल्यूट के, उसको बोलते हैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब एक सॉल्यूशन है ये हमारे पास जिसके अंदर 80 पार्टिकल्स यानी 80 ग्राम्स है, और दूसरा है जिसके अंदर 90 ग्राम्स क्या है? शुगर के। अब मुझे बोलो बेटा कंसंट्रेटेड कौन है? हाँ, ये बराबर है 100 ml दोनों में। मुझे बोलो कंसंट्रेटेड कौन है? ऑब्वियसली जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट शुगर ज्यादा होंगे, दैट मीन्स ये कंसंट्रेटेड होगा, ये होगा डाइल्यूट। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। अब इस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस होते हैं। कैसे हम इसको निकालते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स में हम कैसे निकालते हैं हम किसको? कंसंट्रेशन। इसको हम निकालते हैं तीन मेथड। सबसे पहले मेथड, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन यानी अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन अगर कैलकुलेट हमें करनी है सॉल्यूशन में, तो किस मेथड से निकालें? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों है हमारे पास, क्या है? तीन फॉर्मूलाज है हमारे पास। मास बाय मास ये सॉलिड्स में हम देखते हैं बेटा, किसमें देखते हैं? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में हम देखते हैं मास बाय मास परसेंट। समझाइए बेटा। तो दैट मींस पहले हम इसके बारे में ही जिक्र करते हैं। ओके, देख लो, सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में देखते हैं हम मास बाय मास परसेंटेज कैसे। देख लो बेटा, इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट, मींस बेटा शुगर या सॉल्ट की बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, मींस जो वाटर है बेटा, इन दो का हमने एक सॉल्यूशन बनाया, मीन शुगर को हमने डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर और बन गया शुगर। ये कंडीशन है मेरा बेटे हमारे। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड आइदर बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन होगा, मींस कि शुगर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट होगा शुगर और लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? सॉल्वेंट बेटा। इस सॉल्यूशन में अगर हमें परसेंटेज निकाली होगी, कंसंट्रेशन निकालनी होगी, हाँ, उसमें क्या निकालते हैं हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज से, या बोलते हैं इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकाल। ओके, इधर मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली मास परसेंटेज इसको क्या बोल, इसको कैसे डिफाइन कर दे बेटा? अगर इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। डन बेटा, उसको बोलते हैं मास बाय मास पर। अगर आप लोगों को अब कोई बोलता है बेटा कि मुझे 10% सॉल्यूशन बना के दे दो, क्या बोलना है? बोला किसी ने मुझे कि 10% सॉल्यूशन बना के क्या करना है? 10% मींस फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हमें बनाना है। इसका मतलब क्या होता है? मींस 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम डाल दिया, क्या 10 ग्राम डाल दिया कॉमन सॉल्ट,
उसको बोलते हैं 10। अगर 20% होगा दैट मीन्स 20% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स 20 grams ऑफ कॉमन सॉल्ट एट प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन द 100 grams ऑफ सोल्यूशन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट 100 grams ऑफ सोल्यूशन बिकॉज यहां पे इसका मास जो है इंक्लूड करके लेना पड़ता है हमें सोल्यूशन का। अब फॉर्मूला देख लो बेटा। ओके, मास बाय मास परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? सिंपली मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज इक्वलेंट टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, दैट मींस मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया? अगर हमें 10% बनाना है तो 10 grams हमने ले लिए, ठीक है बेटा, 10 grams ले लिए। हाँ, अगर हमें करना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सिर्फ सॉल्वेंट है, 100 ml नहीं है बेटा, 100 grams नहीं है बेटा। हाँ, तो क्या है, ये सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का मास कितना है? ये 10 grams है। डन, तो 100 grams हमें बनाने हैं बेटा। क्या बनाने? 100 grams। तो दैट मीन्स यहां पे आएगा 90 grams विच इज इक्वलेंट टू 100। समझ में आई मेरी बात? हाँ, समझ में आई मेरी बात। दैट मीन्स कि यहां पे सॉल्यूट के मास को इंक्लूड करके लेना, अलग से 100 ml नहीं लेना है मास, ये वाटर को सॉल्वेंट। समझ में आई मेरी बात? तो इसके मास को इंक्लूड करके लेना है, दैट मीन्स 10 grams डिवाइडेड बाई 100 grams या 100 ml इंटू 100। दैट मीन्स बेटा 0 0 कैंसिल, तो ये बन गया आप लोगों का 10% सॉल्यूशन बाय मास। बाय मास ये ध्यान में रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इंक्लूड्स द मास ऑफ सॉल्यूट ऑल, दैट मींस यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट को भी आपको लेना है, उसमें से माइनस करना है इसको, जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा मास ऑफ सॉल्ट। मीन्स की हमने ले लिया है कॉमन सॉल्ट को, एक बाउल में ले लिया कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को कितना ले लिया? 10 grams हमने ले लिया। उस 10 grams को कट करने के बाद 90 grams या 90 ml हमें इसके अंदर मिलाना है वाटर को, तब जाके ये 100 ml या 100 grams बनेगा बेटा। दैट इज कॉल्ड एज द, ये फिर जब ये कट जाता है फॉर्मूला से 0 0 कट जाते, ये बन जाता है हमारा 10%। दैट इज भाई इससे हम निकालते, दैट मीन्स फॉर्मूला ये है आप लोगों के पास, फॉर्मूला ये है आप लोगों के पास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है बेटा हमारे पास फॉर्मूला, अगर हमें किसी सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन में निकालना होगा कंसंट्रेशन, यानी परसेंटेज निकालनी, क्या निकालनी होगी? परसेंटेज निकालनी। तो नेक्स्ट बेटा, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम पर, इट इज डिफाइनेड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, जैसे कि अभी निकाला, डिसॉल्वड इन 100 ml और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, कितना सॉल्यूट आपने लेना है, डिसॉल्व करना है, कितने में? 100 ml, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम पर। ये देख लो बेटा, फॉर एग्जांपल 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर मीन्स दैट 10 grams ऑफ कॉमन सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml of solution beta, the mass by volume percentage of the solution can also be calculated by using the following formula, that is mass of, ye dekh lo beta formula, mass by volume percentage of solution is called mass of solute divided by volume of solution into 100। ye ho gaya hai next formula, that means ki mass by volume परसेंट। नेक्स्ट तीसरा देख, दैट इज लिक्विड इन अ लिक्विड में हम निकालते हैं कैसे, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देख लो बेटा, अगर लिक्विड लिक्विड इन अ लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। इफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ लिक्विड सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और सिंपली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन बेटा। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन, सॉरी, इन मिलीलीटर ml डिसॉल्वड इन 100 ml, इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ द
सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड इन ए लिक्विड हो, यानी अल्कोहल इन वाटर होगा बेटा, और बनाना है 20% बेटा, कितना बनाना है या 10% बनाना है, उसमें क्या करना है, दैट मींस अगर 20% बनाना हो, 20% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, 20 ml ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्वड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन. वी कैन प्रिपेयर द 20% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर बाय मैक्सिमाइजिंग बाय मिक्स सॉरी बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ अल्कोहल एंड 80 ml, याद रख लेना बेटा 100 ml बराबर नहीं लेना, 20 ml अल्कोहल का होगा, 80 ml किसका होगा, वाटर का होगा, तब जाके ये 100 ml बनेगा. अकेला सॉल्वेंट ही 100 ml नहीं लेना है, यहाँ पे सॉल्यूट को भी ऐड करना 80 ml ऑफ वाटर, सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 20 + 80 व्हिच इज इक्वलेंट टू 100 ml. बेटा क्या करना है, 100 ml जिस तरह मैंने अभी सिखाया, 100 ml, दैट मीन्स कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है बेटा वो बनाएगा सॉल्यूट. इसका भी हमें लेना है कितना है, 20 है, 20 ml, इसका भी लेना है कितना है, 80 ml, तब जाके ये बनेगा 100 ml बेटा बराबर. खाली सॉल्वेंट का ही 100 ml नहीं लेना, ये ध्यान में रख लेना. ओके, दैट मीन्स लिक्विड इन अ लिक्विड, इट मे बी नोटेड हियर दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन refers to the volume of liquid solute in 100 ml of the solution and not the solvent. Yaad rakh lena. And not the solvent. Abhi maine bola. Ye solution ka lena. We can calculate the volume by volume percentage of the solution by using the below mentioned formula. That is, volume by volume percentage kiske barabar hota hai beta? Volume of solute in ml divided by volume of solution. That means solute plus solvent. Solute plus solvent beta. In a solution into 100. This is the formula for volume by volume percentage. अगर हमें निकालनी होगी, ये किस के लिए, किस solution के लिए निकालनी पड़ती है हमें, किस solution में निकालेंगे, इस जरिए से, इस formula से, that is liquid in a liquid, यानी alcohol in water. इसमें ये हम निकालते हैं. Mass by mass किस में निकालते हैं, solid in a liquid. समझ में आई मेरी बात, ये तीन formulas आप लोगों को याद रखने, जिससे आप numericals आराम से निकाल सकते हो. अगर time मिला तो मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यही फॉर्मूलाज यूज करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स निकालूंगा, बट न्यूमेरिकल आप लोगों को खुद करना, देन खुद करना है न्यूमेरिकल. ओके, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने पढ़ा, हाँ, जिसमें हमने की कंसंट्रेशन की, जिसमें हमने की बेटा कंसंट्रेशन की बात, और जहां पे हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा. समझ में आई, तो ये तीनों फॉर्मूलाज आप लोगों को जहन में रखना है आराम से, डन. तो होप आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको एंजॉय किया होगा, और आज के लिए, इस क्लास के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.